स्टूडेंट टूडेज एज स्टार्ट्स न्यू टॉपिक्स। मेरे प्रिय छात्रों, आपका केमिस्ट्री एकेडमी चैनल के अंदर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर्स की वीडियो लेकर आया हूं, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जो लेक्चर्स कलेक्ट किए गए हैं या दिए जाएंगे, या जो टॉपिक हमने ऑन बोर्ड पर राइट रखा है, वह जो है एनसीईआरटी से कलेक्टेड टॉपिक है। प्लीज़ स्टूडेंट्स बी केयरफुल, बट रिक्वेस्टेड पॉइंट स्टूडेंट्स, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस किया करें। तो स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक लेकर आए हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखने का कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो बोर्ड पर राइट टॉपिक हमने रखा है वह क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो आइए, टॉपिक है हमारा मोर अबाउट साल्ट, अधिक साल्टों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो टॉपिक के अंदर में हमने साल्ट रखा है। व्हाट इज साल्ट? तो साल्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, विच प्रोडक्ट पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यानी साल्ट वे होते हैं जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद वाटर के अतिरिक्त जो सब्सटेंस बनते हैं उन्हें हम साल्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल में हमने रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए बेस, HCl एज ए एसिड, यानी पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों ही हैं। दो आपस में रिएक्ट कर जो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बनाते हैं, वाटर के अतिरिक्त जो सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड बना है इसे हम साल्ट कहते हैं। ओके, और अदर डिफिनेशंस में हमने देंगे, डिफाइन करेंगे। साल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड, साल्ट जो होता है आयनिक कंपाउंड्स होता है, विच ऑन द डिसोसिएशन इन वाटर एल्स पॉजिटिवली आयन अदर देन द हाइड्रोजन आयन आर द हाइड्रोजोनियम आयन एंड द निगेटिवली आयन्स अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। यानी साल्ट वे होते हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर पॉजिटिव और निगेटिव आयन देते हैं, देन अदर्स जो है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजोनियम आयन्स आर निगेटिवली आयन्स आर अदर द हाइड्रोक्सिल आयन रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे सब्सटेंसों को हम साल्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट ईटीसी, ये जितने हमने बताया सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये जितने भी हमने एग्जांपल के रूप में दिया ये सब जो हैं ये साल्ट हैं पॉजिटिव और निगेटिव एलिमेंटों के केमिकली कंपाउंड के द्वारा जो कंपाउंड फॉर्मेट होते हैं उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं, और आयनिक कंपाउंड जो होता है वह साल्ट का फॉर्म होता है। आपने बिल्कुल समझ लिया, बिल्कुल आगे चलते हैं। फैमिली ऑफ साल्ट्स, फैमिली ऑफ साल्ट्स क्या है? द साल्ट हैव बीन द क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट फैमिलीज व्हिच आर द ब्रीफली डिस्क्राइब बिलो। यानी फैमिलियल फैमिली जो साल्ट होते हैं वो क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट टाइप के या साल्ट होते हैं जिनका ब्रीफली जो है डिस्क्राइब्स यानी एक्सप्लेन करेंगे जो बिलो हम दे रहे हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल फार्मूला, यानी केमिकल फार्मूला का क्लासिफिकेशन क्या होगा उसको आज हम देखेंगे।
on the basis of the chemical formula, salt are the classified into the following types. यानी केमिकल फार्मूला को क्लासिफाइड किया गया है फॉलोइंग टाइप्स के फॉर्म में, तो वह कौन कौन से हैं उनको वन बाई वन कर कर जो है नेमिंग करेंगे और जिनका ब्रीफली हम स्टडी करेंगे. ओके, अगला है, फर्स्ट जो है नॉर्मल आर द न्यूट्रल सॉल्ट, सेकेंड जो है बाई सॉल्ट आर एसिड सॉल्ट्स, थर्ड है सी जो है बेसिक सॉल्ट्स, फोर्थ है डी जो है डबल सॉल्ट्स, फिफ्थ है ई जो है मिक्स्ड सॉल्ट और सिक्स्थ जो है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. तो ये सॉल्ट हैं फेमिलियर्स और इन सॉल्टों को हम केमिकल्स फार्मूलास के फॉर्म में और इनका हम ब्रीफली स्टडी करेंगे. तो हम इसको अगले लेक्चर्स अगले वीडियो में डालेंगे इन साल्टों के फॉर्म को. प्लीज़ इन जो भी टॉपिक हमने ऑन बोर्ड पर राइट किया गया है इन पर हम क्वेश्चन देंगे. प्लीज़ स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. तो स्टूडेंट प्लीज़ टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर एक, व्हाट इज साल्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज फेमिलियर ऑफ सॉल्ट्स. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑन द केमिकल फॉर्मूला. तो स्टूडेंट्स इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर चेक कराएंगे. ओके, थैंक्स.